भारतीय जनता पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मना रही है। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता की ताकत से आपको सीमित सम्मान ही मिल सकता है। जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से पिछले साल एलएसी के आसपास घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया था। हमारी सेना ने इस बार भी ये साबित करते दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। देश की संप्रभुता और एकता पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्विटर पर भारत सरकार के सख्त रवैये को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस से बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। प्रसाद ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विनम्रता से आग्रह किया कि वे भारत में अपना काम करें, लेकिन भारतीय संविधान के नियमों का भी पालन करें। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बंगाल में नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा किसानों की दशा सुधारने के लिए निकाली जा रही है। कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले और मृत्यु दर में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,932 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस वायरस से 108 लोगों की जान चली गई। वहीं 11,764 लोगों ने इस संक्रमण को मात दी है। गौरतलब है कि देश में टीकाकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। बीते दिन 4.5 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण किया गया। अब तक 70 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। राजस्थान विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर गोली चलाने के मामले को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की मांग की, जिस पर स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज ममता भूपेश से आशा सहयोगियों को लेकर सवाल किया गया। इस पर ममता भूपेश ने कहा कि आशा सहयोगियों ने बीड़ काल में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एनएचएम मानदेय में वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन भारत सरकार अपनी ओर से अंशदान नहीं दे रही है। विपक्ष को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। टोल फ्री किसान नाकों को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के जरिए कांग्रेस सियासत कर रही है, इससे लोगों में असमंजस पैदा किया जा रहा है। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर पूनिया ने कहा कि ये एक लीपापोती का दौरा है। किसान आंदोलन को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान के गांव-गांव में फैल चुका है। आंदोलन के दौरान हो रही किसानों की मौत पर खाचरियावास ने दुख जताया और कहा कि केंद्र की सरकार सिर्फ इधर उधर की बातें कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार में सिर्फ तानाशाही दिख रही है। भाजपा सरकार के नेताओं का मन काला है। कोटा में महामारी अधिनियम के अलावा निषेधाज्ञा उल्लंघन की धाराओं में बीजेपी विधायक मदन दिलावर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरएसएस कार्यकर्ता पर फायरिंग के विरोध में कल बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मदन दिलावर के नेतृत्व में मंडी बंद करवाई थी, जिसके बाद कोरोना महामारी की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर आज दिलावर पर केस दर्ज किया गया है।